इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, जानकारी ये सामने मिल रही है कि ऊटी में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अच्छा, ये जो सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस हेलीकॉप्टर में CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत सवार थे, ऊटी में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। फिलहाल डिटेल्स का और इंतजार है, जैसे ही इस बारे में और कोई जानकारी आएगी हम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? नीरज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नीरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ऊटी में सेना का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, और इस हेलीकॉप्टर में सवार थे CDS जनरल बिपिन रावत। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हम सब जानते हैं कि ऊटी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा हुआ है, और ऐसे में पहाड़ी इलाका जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ रही है, लेकिन अभी और कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही कुछ और डिटेल्स मिलेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खबर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो सवार थे। ये देख लीजिए आप भारत का नक्शा, तमिलनाडु राज्य और वहां पर ऊटी, बिल्कुल कर्नाटक और तमिलनाडु की बिल्कुल बॉर्डर पर एक तरीके से ये ऊटी है, नीलगिरी की पहाड़ियां जहां पर ऊटी बसा हुआ है, और वहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश। शोभना, बिल्कुल, और बहुत बड़ी खबर है। देखिए, तीनों सेना के समन्वयन के लिए CDS बनाए गए बिपिन रावत, उस हेलीकॉप्टर में वो सवार है, क्या कोई साजिश है? अभी हालांकि इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है। रोमाना, CDS बिपिन रावत का उस हेलीकॉप्टर में सवार होना, ऊटी में उस सेना के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, कहीं ना कहीं ये खबर बहुत बड़ी है। हालांकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अभी जो डिटेल हमें मिल रही है उसके हिसाब से ये हेलीकॉप्टर ऊटी में क्रैश हुआ है, सेना का ये हेलीकॉप्टर है और इसमें CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे। ये बहुत बड़ी खबर है रोमाना, और चिंताजनक खबर भी है। इंतजार किया जा रहा है, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, कौन सा हेलीकॉप्टर था जो हादसा है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या किसी तरीके की कोई तकनीकी खराबी हुई है, क्या वजह है, तमाम वो जानकारियां हैं जो हम जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल जनरल बिपिन रावत ऊटी के अंदर ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है, सेना का ये हेलीकॉप्टर। हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की अपने सहयोगियों से, ये जानकारी जुटाने के लिए कि जनरल बिपिन रावत कहां जा रहे थे, ऊटी के अंदर जो हेलीकॉप्टर क्रैश की बात सामने निकल कर आ रही है, हेलीकॉप्टर कौन सा था जिसपे वो सवार थे, ये वो तमाम जानकारियां हैं, डिटेल्स जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। ऊटी में फिलहाल सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत मौजूद थे, अभी इतनी ही जानकारी हमारे पास है। और ऊटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा हुआ ऊटी, बिल्कुल कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, तमिलनाडु में हालांकि ऊटी पड़ता है, और बिल्कुल रोमाना एक बड़ा बेस भी है ऊटी। ऊटी में सेना के बहुत से संस्थान मौजूद हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है, और मुझे लगता है कि किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए ही ये CDS जनरल बिपिन रावत ऊटी पहुंचे होंगे। और इस तरीके की जो खबर आ रही है वो चिंताजनक खबर भी है कई दृष्टि से, हो सकता है कि कोई तकनीकी खराबी उस हेलीकॉप्टर में हुई हो इसलिए ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। क्योंकि देखिए, CDS जो है वो सेना के हेड, आप समझ रही हैं, आर्मी, नेवी और वायुसेना तीनों को हेड करने वाले CDS बिपिन रावत, उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से भी ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है कि कहीं किसी तरीके की कोई साजिश तो नहीं है। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक एक ऊटी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें सीनियर मिलिट्री कमांडर ऑन बोर्ड थे, लेकिन अभी तक जो वायुसेना की तरफ से या CDS ऑफिस या रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक कोई जानकारी इस क्रैश के बारे में नहीं बताई गई है, और ना ही बताया गया कि उसमें क्या अभी क्या स्थिति क्या है क्रैश होने की, क्योंकि वायुसेना से जो बात हुई उनके मुताबिक वो जहां पर क्रैश हुआ है उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति क्या है, अभी इसके बारे में पता किया जा रहा है। ये डिटेल्स मिल रही है का कौन सा हेलीकॉप्टर था, नीरज राजपूत, जनरल बिपिन रावत कहां जा रहे थे, इस तरीके की कोई डिटेल्स अभी तक सामने आई है क्या? और इसमें एक अपडेट भी है, रोमाना, कुन्नूर में हुआ है ये हादसा जो है वो, ऊटी में नहीं, कुन्नूर में हुआ है, तमिलनाडु के कुन्नूर में। जी जी नीरज जी, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर ऊटी में जो भारतीय सेना है उसका डिफेंस
जो स्टाफ कॉलेज है वहाँ पर स्टाफ कॉलेज है जहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जहाँ पर जिनकी ट्रेनिंग होती है, एकेडमिक्स की ट्रेनिंग होती है, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसका कॉलेज वहाँ पर है। तो अभी लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या CDS वहीं जा रहे थे या कहीं और कोई कार्यक्रम था उसका, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि चॉपर क्रैश हुआ है जिसमें सीनियर मिलिट्री कमांडर एक थे, ऑन बोर्ड थे, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर से रक्षा मंत्रालय की तरफ से, वायुसेना या CDS के ऑफिस से अभी तक कोई इस बारे में जो ऑफिशियल जानकारी है वो साझा नहीं की गई है कि अभी स्थिति क्या है। और नीरज, मुझे लगता है कि जब CDS उस चॉपर में सवार थे तो उनके साथ आला अधिकारी भी जरूर मौजूद होंगे, तीनों सेना के को हेड करते हैं CDS बिपिन रावत। ये बहुत चिंताजनक खबर है और ये भी तो पता लगना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या वजह रही इस इतने बड़े हादसे की। बिल्कुल शुभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो क्योंकि CDS जो है देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैं, तो अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं, अगर सफर कर रहे हैं हेलीकॉप्टर में, तो क्योंकि ये ऊंचाई वाला इलाका है जहां आपने बताया ऊटी और कुन्नूर जो है ये तमिलनाडु के हिल स्टेशन है, यहीं पर डिफेंस स्टाफ कॉलेज है भारतीय सेना का, तो हो सकता है वहां पर विजिट हो, लेकिन उनके बारे में इटिनरी अभी तक कोई साझा नहीं की गई है कि वहां पर क्या कोई इनका लेक्चर था या कोई विजिट थी उनकी वहां पर, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कहीं से भी, क्योंकि कल वो यहां दिल्ली में ही थे और दिल्ली में सेमिनार उन्होंने अटेंड किया था, यहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का एक बिम्स्टेक कंट्रीज का एक एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें खुद रक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद थे, थल सेना प्रमुख मौजूद थे, वहां पर उन्होंने ये लेक्चर दिया था। उसके बाद नीरज, मैं आपको रोक रही हूँ, ये तस्वीरें हमें मिलने लगी है और ये तस्वीरें जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें CDS बिपिन रावत सवार थे, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं रुमाना। ये बीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुन्नूर में बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हादसा बड़ा भीषण, चॉपर में सवार थे CDS बिपिन रावत और वही चॉपर क्रैश हुआ है कुन्नूर की पहाड़ियों में, ये चॉपर क्रैश। और ये जिस वक्त की तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम काफी खराब था, क्योंकि काफी धुंधली तस्वीरें, उसमें फॉग भी नजर आ रहा है, धुंध भी नजर आ रही है, और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में मौसम जो है वो कभी भी धोखा दे जाता है। ABP News आपको रखे आगे।